बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाएंगे एक होम रेमेडी। मैं बना रही हूँ तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आज छुट्टी है इसलिए बच्चों के काम में भी आ जाएगी। मैंने लिया है जौ का आटा और शहद लिया है, ग्लिसरीन और गुलाब जल। इससे हम एक होम रेमेडी बनाएंगे। अच्छा, बहुत मुफीद है। तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। धूप में खेल खेल के थोड़ा बच्चे सांवले हो जाते हैं। तो मैंने जौ का आटा लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच जौ के आटे पर हम आधा चम्मच, इसी चम्मच से आधा चम्मच हम ग्लिसरीन रहेंगे और आधा चम्मच ही हम हनी भी ऐड करेंगे इसके अंदर, और 2 चम्मच इसमें गुलाब जल ऐड करेंगे। अगर हनी किसी किसी को और रिएक्शन करता है, जैसे मुझे रिएक्शन करता हनी, तो आप पहले ट्राई, अगर आपको करता हो हनी रिएक्शन तो आप ना करें इसको, और अगर हनी रिएक्शन नहीं करता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सांवली स्किन वालों के लिए बहुत मुफीद होता है। ये रंगत को खूब खिला देता है, और अगर ड्राई स्किन हो रही ठंड में तो उसको भी शहद अच्छा करता है। और ये जो जौ का आटा है वो तो है ही बहुत मुफीद, और ग्लिसरीन के भी आप बहुत सारे बेनिफिट जानते हो गुलाब जल के। अब मैं ग्लिसरीन को डालती हूँ इसमें। देखिए, ग्लिसरीन मैंने आधा चम्मच लिया। अब बिल्कुल मैंने आधा चम्मच ही लिया है। आपको ज़्यादा बनाना हो तो फिर 1 चम्मच पे सब चीज़, आधा आधा चम्मच दोनों, और अपना गुलाब जल लेना है ये, जैसे मतलब गीला हो जाएगा उतना गुलाब जल ले सकते हैं आप। गीला करने के लिए 2 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर ये आप देख लें पेस्ट को बना के। हम 1 चम्मच और, अभी 1 चम्मच ऐड किया है, अब मैं 1 चम्मच ये करी और ऐड करती हूँ। देखिए, हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। अब इसको आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं, हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बना लें आप, आपको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसको लगा सकते हैं। इससे फेयर स्किन होती है, और इसको 2-3 दिन में एक बार लगा सकते हैं। आप चाहो तो 8 दिन में एक बार लगाएं, रोज़ रोज़ 1 दिन छोड़ के हम इसे आराम से लगा सकते हैं, और ये बहुत मुफीद है। आपको वो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लगाते वक्त कुछ जलन या खुजली आए तो समझ जाएं कि आपको इससे रिएक्शन होता है, तो या लाल पड़े स्किन, तो आप जो भी रेमेडी कर रहे हो या जो भी चीज़ लगा रहे हो तो उसका रिएक्शन मालूम करने के लिए आपको खुजली आ रही है, तो उसको आप बिल्कुल धो दें ठंडे पानी से। और सबसे मुफीद है कि आप उस पर खोपरे का तेल लगा लें। रेमेडी के साथ और एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।